राजस्थान की ओर भी जाए और क्यों ना हम डांडियों की ओर भी जाए। नव दुर्गा की बात हम करते हैं तो नव दुर्गा में डांडिया महोदय की तरफ से हमारे आग्रह को स्वीकार किया और इस ग्रुप फोटोग्राफ में आप शामिल हुए। इधर हम डांडिया की प्रस्तुति हो रही है, देखो बीच में बहुत अच्छा जगह बन गया है और डांडिया की टीम है यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं और लगभग 200 प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। देखिए कितने लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। अब ये डांडिया प्रस्तुत हो रहा है और हमारे दुर्गा पूजा कमेटी के सभी सदस्यों की तरफ से आप सभी का आभार प्रदर्शित किया जा रहा है। अरे अरे रानी जी इनका जादू नहीं आपको समझ में आ रही लेक सिटी वेलफेयर क्लब के द्वारा ये जो डांडिया नृत्य होने जा रहा है उसकी थोड़ा सा व्यवस्था यहाँ पे हम कर रहे हैं। दीपिका बिनवाल जी और सभी सदस्य आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम लोग कार्यक्रम को बहुत ज्यादा इसमें आगे आप सभी को थोड़ा सा एक सूचना ले दें कि हमारे जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं उन रजिस्ट्रेशन में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराए हैं केवल उन्हीं लोगों को बैच आवंटित होंगे और वो लोग भी पूरे अपने पारंपरिक परिधानों में और पूरी एक राजस्थानी वेशभूषा में यहाँ पे डांडिया नृत्य के लिए सबके सब तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं जो लेक सिटी वेलफेयर क्लब की एक कोशिश है और संतोष शाह जी का उसमें एक जो विशेष
और हमारी इस कार्यक्रम की संयोजक एवं अधिकारी आपके द्वारा किए जाते हैं।
तो हमने कॉफ़ी वगैरह पी ली है और अब हम चल रहे हैं घर को। तो देखिए रात को भी कितनी रौनक है नैनीताल में। तो नैनीताल नैना देवी मंदिर के पास ही लगा हुआ है महोत्सव, दुर्गा महोत्सव, जहाँ पर को बहुत सारी भीड़ है और कॉफ़ी भी। तो फ्रेंड्स हम अभी जा रहे हैं वापस घर को। ये है नैनीताल का माल रोड जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है अभी भी। और आते समय हम रिक्शे में आए थे पर अभी रिक्शा भी नज़र नहीं आ रहा है, शायद रात को नहीं चलते होंगे। तो हम पैदल ही जा रहे हैं घर को मौसी के कमरे में। तो फ्रेंड्स नैनीताल की ताल देखिए, चारों तरफ से ब्यूटीफुल लड़ियों से सजाई हुई है। देखने में रात को ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है और हम सीधे जा रहे हैं आगे को। अभी इतना चमचमा रहा है, नहीं पर्स देखो ना कितने के भैया। अच्छा अच्छा प्यारे लग रहे हैं। सुंदर लग रहे हैं पर्स बहुत ज्यादा है। देखने को दे रहे हो इतने प्यारे प्यारे पर्स। तो फ्रेंड्स रात को भी नैनीताल में इतनी भीड़ है और इतनी रौनक है, देखिए बहुत अच्छा लगा मुझे नैनीताल शहर। और आप भी यहाँ एक बार जरूर आइएगा, बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड्स नैनीताल में हर जगह सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ, चढ़ाई ही चढ़ाई बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो हम लोग मार्केट से घर को जा रहे हैं और अभी हैं हम भयंकर चढ़ाई में, तो बहुत ज़्यादा थकान भी हो गया है। तो पीछे देख सकते हैं आप, इस चढ़ाई से हम ऊपर को आ रहे हैं और अभी बहुत ऊपर चलना है हमने, बहुत ऊपर रहते हैं मौसी लोग। तो हम घर पहुँच गए हैं अब और मौसी की बड़ी बहू या इनकी दीदी ने खाना बना रखा है, तो खाना वगैरह खा लेते हैं फटाफट से, थक बहुत गए हैं दिन भर हम। तो फ्रेंड्स अभी शाम के 9 बज चुके हैं और हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है। मौसी की बड़ी बहू दी और मेरी दीदी लगती हैं, तो उन्होंने खाना वगैरह बनाया था ऊपर, तो खाने में पनीर वगैरह था, तो खाना वगैरह खा लिया है। और अभी देखिए रात को कुछ ऐसा दिख रहा है नैनीताल शहर, जगमगाता हुआ नैनीताल, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और सामने उधर ताल है और ताल के ऊपर देखिए पूरी लाइट जली हुई है चारों तरफ। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा।
थैंक यू।